हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्टर ए कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। जी हाँ, तो देखिए लॉकडाउन के बाद में एजुकेशन इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे जो है जा चुकी है और अब धीरे धीरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो बढ़ती जा रही है। तो गाइस इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे ऊपर एक वीडियो बना दूं कि किस तरीके से अगर आप भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने की सोच रहे हैं या खोलने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से आपको गवर्नमेंट के साथ में जो है रजिस्टर करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अपने कोचिंग का लीगली रजिस्टर कराना चाहते हैं प्रोफेशनल के थ्रू तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinecea.in से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फर्म रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन आसानी से बहुत ही कम रेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए वैसे तो काफी टाइप होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, जहां पे गवर्नमेंट की जॉब्स वगैरह हो गई उनकी तैयारी कराई जाती है। एक हो गया गाइस स्कूल रिलेटेड लाइक कोचिंग सेंटर, जहां पे 10th की या 12th के जो भी टीचर्स होते हैं वो वहां पे कोचिंग देते हैं। एक हो गया गाइस कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पे कंप्यूटर के जो कोर्सेज होते हैं उसकी पढ़ाई कराई जाती है। और गाइस अब मैं मोड की बात करूं तो यहां पे ऑफलाइन मोड होता है ना ऑनलाइन मोड होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि कई बार जो है टीचर्स अपने घर से ही पढ़ाने लग जाते हैं या फिर मान लीजिए कोई जगह उन्होंने रेंट पे ली होती है जहां पे वो अपना कोचिंग सेंटर डालते हैं। अब मैं बात करूंगा कि यार रजिस्टर करना कैसे है, क्या क्या लीगल स्टेप है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो गाइस जो देखिए पहला जो स्टेप है वो आपको चूज करनी पड़ेगी लीगल एंटिटी। जी हाँ, अब लीगल एंटिटी जो है इंडिया के अंदर बेसिकली 5 टाइप की होती है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 टाइप में बता दूंगा क्योंकि 5वीं कोई भी रजिस्टर नहीं कराता है। तो गाइस जो पहली लीगल एंटिटी होती है वो होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो देखिए जो 80% जो कोचिंग जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो हमेशा इसी से अपनी जो है शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो लीगल एंटिटी है वो बेस्ट है एकदम अगर आप अपने आइडियाज वगैरह को टेस्ट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आप मान लीजिए ऐसे प्रोप्राइटरशिप अपनी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक शॉपपैक लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये शॉपपैक लाइसेंस क्या होता है, ये गाइस स्टेट वाइज होता है। मान लीजिए अगर आप महाराष्ट्र के अंदर खोल रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्टेट शॉपपैक लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आप गुजरात में खोल रहे हैं या फिर दिल्ली में खोल रहे हैं तो आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे शॉपपैक लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अलावा गाइस अगर आप ये लाइसेंस नहीं लेना चाहते तो आप जो यहाँ पे जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एमएसएमई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अंत में गाइस क्या करना होगा, आपको जो भी आप अपना सर्टिफिकेट लेते हैं चाहे शॉपपैक है चाहे जीएसटी है चाहे एमएससी है उसी के बेसिस पे आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये करंट अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टीचर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आपका जो पर्सनल सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आप कोचिंग की जो स्टूडेंट से जो फीस आती है वो 10 लाख के ऊपर यहां पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस वगैरह आ सकता है। तो आपको हमेशा एक करंट अकाउंट खुलवाना लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रहे तो भी आप अपने पर्सनल नाम पे भी जो है यहां पे करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये करंट अकाउंट काम आएगा, एक तो जो स्टूडेंट की फीस आ रही है उसको कलेक्ट करने में, साथ में आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, मान लीजिए आप टेबल ले रहे हैं, कुर्सियां ले रहे हैं, बच्चों के लिए कंप्यूटर्स ले रहे हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसके लिए काम में आएगा। साथ में मान लीजिए किसी टीचर को आप हायर करते हैं, उसको सैलरी देते हैं पर डे के हिसाब से या पर बैच के हिसाब से, तो वो भी जो सारे एक्सपेंसेस है आपको इसी करंट अकाउंट से यहाँ पे करने होंगे। अब मैं बात करूंगा पार्टनरशिप फर्म की, तो ये भी काफी अच्छा यहाँ पे लीगल एंटिटी ऑप्शन है। ये उन ग्रुप टीचर्स के लिए, मान लीजिए जहाँ पे 8 से 10 जो है ग्रुप टीचर्स होते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना सब मिलकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ओपन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो उसमें जो कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग ना पैसे लगाएंगे इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स तो बन जाते हैं उसके ऑनर और जो बाकी टीचर्स होते हैं वो सैलरी बेसिस पे हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक डीड बनानी पड़ती है, जी हाँ, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है अपने अपने पार्टनर के साथ में आपको क्लियर करनी पड़ती है कि भाई कौन कितनी सैलरी उठाएगा, किस टीचर की कितनी यहाँ पे सैलरी होगी। साथ में यहाँ पे इसमें यह भी लिखा होता है कि कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कौन कौन टीचर कितना यहाँ पे पैसा लगा रहा है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका नया पैन कार्ड बन जाता है और जीएसटी बन जाता है और उसी के बेसिस पे आपका एंड में करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। जो तीसरी लीगल एंटिटी है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP। जी हाँ, तो देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो LLP है ये दोनों सिमिलर मॉडल है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि बेसिकली जो प्राइवेट लिमिटेड है वो काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, LLP एकदम नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अधिकतर अगर मैं 20% की बात करूँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं। LLP उस केस में आप प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पे मान लीजिए आपका जो बजट है एनुअल कंप्लायंसेस ऑडिट वगैरह के लिए कम है, आप ज्यादा पैसे नहीं दे सकते CA को, तो उस केस में आप डेफिनेटली यहाँ पे LLP को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कैसे करती है यार कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए 10 से ज्यादा टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, इसमें अधिकतर टीचर्स तो ऐसे जो केवल सैलरी बेसिस पे, राइट, वो मतलब ऑनर नहीं है कंपनी के। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है,
आपके मान लीजिए कितने भी यहाँ पे टीचर्स हो गए, तो यहाँ पे कुछ टीचर्स तो बन जाएंगे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो आपने ना ये जितनी बड़ी बड़ी जितनी भी इंस्टीट्यूट है, चाहे फिर वो मान लीजिए नीट है, जेई है, जितने भी रेजोनेंस हो गया, या फिर मान लीजिए कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या अपना एलन हो गया, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ये गाइस सारे के सारे प्राइवेट कंपनी एज ए रजिस्टर्ड होते हैं। अब इसमें कुछ जो जो टीचर्स होते हैं वो एज ए डायरेक्टर होते हैं, राइट, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो एमडी की पोजिशन पे या सीईओ की पोजिशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और जो कुछ टीचर्स होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, जी हाँ। तो उनको क्या होता है, उनको सैलरी भी मिल रही होती है, प्लस उनको परसेंटेज भी दिया जाता है कंपनी के अंदर, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं होते, वो फैसले नहीं ले सकते, वो सिर्फ एक तरह से केवल शेयर होल्डर होते हैं। और गाइस यहाँ पे सेम तरीका, हर सबकी जो यहाँ पे एक फिक्स सैलरी होती है, इवन जो डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के ऑनर्स भी होते हैं ना, उनकी भी फिक्स सैलरी होती है। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कितनी यहाँ पे सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो गाइस यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है एमसी के साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे पैन कार्ड बनता है, आपका जीएसटी बनता है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात बताना चाहूंगा कि जैसे बताया मैंने आपको, आपको लीगल एंटिटी चूज करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने आइडिया को टेस्ट कर रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप प्रोपराइटरशिप से स्टार्ट कीजिए, बाद में आपका बिजनेस चलने लग जाता है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आराम से कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए बहुत सारे टीचर्स हैं और अच्छा खासा ग्रुप बना हुआ है आपका, और आप लॉन्ग टर्म विजन की सोचें, तो हमेशा आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में ही शुरुआत कीजिए। अब मैं दूसरा स्टेप बताना चाहूंगा, यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा अपना ब्रांड नेम। जी हाँ, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्रांड नेम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई टीचर्स तो फेमस हो जाते हैं अपने पर्सनल नाम से, लेकिन वो मान लीजिए किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाने लगते हैं, तो उनका कोई भी ब्रांड जो है बेसिकली नहीं बन पाता। तो यहां पर ब्रांड नेम चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस आप जब भी अपना ब्रांड नेम चूज करें, तो अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या गलती करते हैं, अपना जो भी टीचर होता है, जो भी फेमस टीचर होता है, उन्हीं के नाम से वो अपना ब्रांड नेम रख देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। यहां पे आपको हमेशा एक यूनिक नाम जो है चूज करना चाहिए। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ब्रांड नेम जो है यहां पे सर्च करना चाहिए। तो गाइस आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट के साथ में, एमसी की वेबसाइट के साथ में, आपको यहां पे डोमेन की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, साथ में गाइस आजकल आपको सोशल मीडिया अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि भाई जो इंस्टाग्राम हैंडल है या जो फेसबुक हैंडल है वो इस ब्रांड नेम के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए गाइस यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपने कोचिंग का नाम बना चुके हैं, एज ए ब्रांड बना चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है आपको, तो हमेशा तुरंत अभी के अभी आप ट्रेडमार्क के लिए जो है यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमार्क के अंदर आपको अपना लोगो भी सिक्योर कराना पड़ेगा और आपका जो भी कोचिंग का नाम है आपको वो भी सिक्योर कराना पड़ेगा। अब कई लोगों यहां पे कंफ्यूजन होती है, कोई लोग को मेरे से ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए अगर मैं एक कंपनी को रजिस्टर करा लूं तो क्या मैं उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस चला सकता हूं? तो जी हाँ, डेफिनेटली आप चला सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपने एक कंपनी रजिस्टर कराई कोचिंग इंस्टीट्यूट की, मित्तल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इसी कंपनी के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं, आप यहां पे बुक्स भी बेच सकते हैं, नोट्स भी बेच सकते हैं, ई कोर्स चला सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं बल्कि कोई और बिजनेस भी करना चाहते हैं, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया, ई कॉमर्स हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, वो भी आप इसी एक ही कंपनी के अंदर सारे के सारे यहां पे चला सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम से। इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे कि पेटीएम का हो गया, पेटीएम की जो कंपनी का नाम है वो 197 कम्युनिकेशन है, लेकिन उसका जो ब्रांड नेम है वो पेटीएम है। अब गाइस यहां पे बताऊंगा कि यहां पे ट्रस्टवर्थी आपको कैसे बनना है, अगर लीगल टर्म में बात करूं तो आपको लेना पड़ेगा आईएसओ सर्टिफिकेट। जी हां, अब यहां पे भी दो टाइप के आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। तो यहां पे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप मान लीजिए केवल ब्रांडिंग और प्रमोशन चाहते हैं तो आप नॉन आईएफ आईएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं उन कंप्यूटर कोचिंग जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं, फिर चाहे वो इंटर्नशिप का हो या फिर मान लीजिए उन्होंने जो भी कोर्स करवाया उसका सर्टिफिकेट देते हैं, अगर ऐसे केसेस है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, तो आप हमेशा आईएफ आईएसओ को ही यहां पे अप्लाई कीजिए, ताकि जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसकी कम से कम एक वैल्यू हो स्टूडेंट को, राइट। तो कहीं भी वो लेके जाए, कोई भी उसको चेक करे, क्रॉस वेरीफाई करे, तो कम से कम उसकी एक वैल्यू निकलनी चाहिए। तो यहां पे आप आईएफ का आईएसओ यहां पे ले सकते हैं। तो गाइस अब मैं बात करूंगा तीसरी जो लास्ट जो चीज है वो क्या ध्यान रखनी है आपको, वो करना है आपको गाइस लोकल रजिस्ट्रेशन विद योर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये देखिए गाइस सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल कुछ ही यहां पे स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भाई आपसे रजिस्ट्रेशन मांगता है या नहीं मांगता, मतलब उनका एक लोकल रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आपको यहां पे लेना चाहिए। तो गाइस ये एकदम ऑप्शनल होता है। अल्टीमेटली मैं समरी की बात करूं तो आपको एक कंपनी या फर्म रजिस्टर करानी है जीएसटी या नॉन जीएसटी के साथ में, एक करंट अकाउंट आपको ओपन करना है, फिर उसके बाद में आप ट्रेडमार्क या आईएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सिंपल एकदम आपके नॉर्मल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उससे कई हद तक ज्यादा सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रूफ ऑफ द एड्रेस। जी हां, तो यहां पे आपको प्रूफ ऑफ द एड्रेस उसका चाहिए होता है जहां पे आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपका कोई रेंट पे कोई कोचिंग सेंटर है तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए अपनी जो भी कंपनी है उसके नाम पे, या अपने जो भी डायरेक्टर या ऑनर है उनके नाम पे। या आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिखा सकते हैं अपने
रेजिडेंशियल एड्रेस को, जी हाँ ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर मान लीजिए अगर आप जो है हर बार क्या होता है, जैसे 3 महीने बाद में आपने जगह चेंज कर ली, 4 महीने बाद में आपने जगह चेंज कर ली, तो आपको चेंज कराने में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, आपका जो भी घर का एड्रेस है आप उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बना दीजिए, और बाकी के जो आपका कोचिंग जहाँ पे भी चल रहा है उसको आप ऑपरेशनल यहाँ पे एड्रेस बना दीजिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।